आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच। मैं आपके साथ पल्लवी कुमारी। आज मैं खड़ी हूँ अपर हटिया के महावीर मंडल में, जहाँ पे हो रही है बहुत ही महान कार्य के पीछे बहुत ही ज़्यादा योजना जुड़ी हुई है, जहाँ पे रामनवमी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कार्यक्रम हो रही है। और उसके पीछे हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है। अंकल, आपका क्या नाम हुआ? मेरा कृष्णा साहू नाम है बेटा। अच्छा, आप यहाँ पे कोई कार्यकर्ता हैं? नहीं, हाँ, यहाँ का संरक्षक है हम लोग। अच्छा। संरक्षक के तौर पे हम लोग हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमें पता चला है कि मुख्य अतिथि हमारे श्री नवीन जायसवाल जी हैं, तो उसे आपने उनको आमंत्रित किया है, तो उन्होंने आपका आमंत्रण स्वीकार किया है, तो इसे लेके आप कितने खुश हैं? बहुत उत्साहित है, आए हैं, समय दिए हम लोग को, इसके लिए हम लोग बहुत उनका आभारी हैं। तो आप ये हमें बताइए कि अभी मतलब जैसे अंकल ने बताया कि कहाँ ये झांकी का ये किया गया है, तो अभी नव हुए युवक को कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे? हमने देखा है कि काफ़ी मतलब लंबा गैप हो गया है, तो उसे लेकर नव युवक भी हैं, वो भी पीछे हट गए हैं, कोई लाठी डंडा वैसे खेलता नहीं है, तो आप इसे क्या बोलना चाहिए? कोरोना काल के बाद नए जिंदगी मिला है लोगों को, तो आप थोड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चे लोग को कि भाई देखो ऐसे ऐसे होते थे, अब आप आगे लड़के लोग कर रहे हैं, अभी के नवी के लड़के लोग, यही हमारी चल रहा है अभी। अच्छा, तो हम आप हमें बताएंगे कि ये महावीर मंडल जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष हमारे राम कुमार साहू थे, दादा हैं अभी। अच्छा, तो आप ये मतलब हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप मतलब हमारे जो जनता है, जो देख रहे हैं दर्शक, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? बस हमारे इस है कि भाई सभी लोग मिलजुल के हमारे गाँव समाज के जितने भी लोग हैं, सबको इस पर्व को खुशी से मनाया जाए, और क्या, बस यही हमारा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद अंकल। अंकल, नाम क्या हुआ आपका? गणेश साहू। अच्छा, आप यहाँ पे जो मंडल है उनके कुछ कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, इस मंडल का इस बार सचिव के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है। अच्छा, ये आप हमें बताएंगे कि ये महावीर मंडल है, ये कितने पुरानी है, कब इसका संगठन किया गया था? इस महावीर मंडल का संगठन मेरे पूर्वजों ने किया था, जो सबसे पहले जब हम समझदारी हुए था, तब हम लोग का एक दादा थे चंद्रपाल साहू जी, और एक मेरे बड़े फादर थे चुनी साहू जी, यही लोग देख रेख में हो रहा था। जब हम लोगों का काम शुरू हुआ, जैसे कारवा चलता गया, तो हम लोगों के चाचा लोग थे, वो लोग हम लोगों को जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों को लाठी डंडा अस्त्र शस्त्र चलाने का सिखाया। मेरे चाचा जो थे हमको सबसे पहले लाठी भांजना के सिखाया था, जिनका नाम है फुलेश्वर साहू। तब से हम लोग धीरे धीरे हम लोग जब बड़े हुए थे, हम लोग का संगठन बना, बहुत सारे हम उम्र के लोग, हम लोग बहुत सारे इस खेल को खेले, और यहाँ से सबसे पहले 1991 में सबसे पहले हटिया में हम लोग झांकी इसी मंडल की ओर से निकला गया था। अच्छा, तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं, यहाँ के मुख्य कौन है? यहाँ के लोग आज के तारीख में, जैसे हम लोगों का उद्घाटन था, तो उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी आने वाले हैं, साथ में जगन्नाथपुर थाना प्रभारी के थाना इंचार्ज, थाना प्रभारी इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नहीं, अरविंद कुमार सिंह है, अरविंद कुमार सिंह है, और हमारे बहुत से अतिथिगण हैं, यहाँ के समाज के लोग भी बहुत गण्यमान व्यक्ति हैं, ऊपर हटिया के नीचे हटिया सभी लोग आएंगे। तो अंकल, आप हमें बताएंगे कि पूरे 2 वर्ष के बाद हम रामनवमी यहाँ पे मनाने जा रहे हैं पूरा, तो आप इसे लेकर कितने ज़्यादा उत्सुक हैं, क्या क्या कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं? देखिए, 2 वर्ष के बाद तो इस रामनवमी पर्व मनाया जा रहा है, इस समय काफ़ी उत्साह के साथ नौजवान 2 वर्ष के बाद मिल रहा है, तो काफ़ी उत्साह के साथ इस रामनवमी को मनाएंगे, और इस बार जैसे उद्घाटन हुई होगा, और इस बार झांकी का भी प्रोग्राम है, झांकी भी निकाला जाएगा, और भव्य तरीक़ा से इस बार मनाएंगे हम लोग रामनवमी। हम सबों का रामनवमी का त्योहार है, ये एक महावीर मंडल अपर हटिया आदर्श रूप में प्रस्तुत होगा। जिस तरह से आप सबों ने एक कार्यक्रम को तय किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि महाअष्टमी के दिन भी आप सबों के सहयोग से बहुत ही सुंदर झांकी निकाली जाएगी,
और उसके बाद जो नवमी का जो त्योहार होता है उसमें भी जो जुलूस निकलेगा, जो शोभा यात्रा आएगी, वो आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसका तैयारी करेंगे। और जिस तरह से हमारे सभी वक्ताओं ने कहा कि हम लोग श्री राम जी का जन्मोत्सव करके रामनवमी का त्योहार मनाते हैं, तो श्री राम जी का जो जन्मोत्सव है वो साधारण रूप से हम नहीं मना सकते हैं। हम सभी हिंदू भाइयों के लिए श्री राम हमारे भारत वर्ष के लिए श्री राम आया, कर्म योगी सा जीवन बिताया, सुख दुख में सबका साथ निभाया, प्रेम से सबको अपना बनाया, अपने मन के से मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि रामनवमी के अवसर पे आज से कार्यक्रम ये शुरू हुआ है और पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि हर्ष और उल्लास से मनाना है, लेकिन भगवान राम के पीछे जो विशेषण है मर्यादा, तो मर्यादा को जरूर निश्चित रूप से ध्यान में रखें कि आपके किसी कार्य से समाज के किसी और दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि के रूप में जगन्नाथपुर थाना प्रभारी श्रीमान अरविंद सिंह जी, श्रीमान गोपाल सोनी जी, मनोज साहू जी, पारस जी, चंद्रमा जी, महावीर जी, कार्तिक जी, अपने इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार जी और सचिव श्री गणेश साहू जी सहित अपने बीच उपस्थित सभी बजरंगबली के भक्तों, राम भक्तों, युवाओं, अभिभावकों, आज हम सभी यहाँ पर बजरंगबली के इस अखाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके आज शुभारंभ होने के साथ ही हम लोग पूरे उत्साह के साथ अपने रामनवमी के त्योहार में लग जाएंगे और यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण अखाड़ा का उद्घाटन अर्थात यहाँ पर यहाँ के अखाड़े के पूजनीय माननीय उस्ताद के माध्यम से सभी युवाओं को जो भी इसमें सीखना चाहते हो अस्त्र शस्त्र संचालन, उनको उचित रूप से प्रशिक्षण देते हुए अपना प्रदर्शन इस रामनवमी में करना है, यह हम लोग यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। और इस अखाड़े में पूरे जोर शोर से उस्तादों से अपेक्षा है तो यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ ही आज दो वर्षों के हमें यहाँ सम्मान से सुशोभित किया। हम सभी राम भक्त हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हमेशा हमारा आदर्श पुरुष रहेंगे। हम उनका आदर्शों पर चलने का हर हमेशा प्रयास करते हुए अपने भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाते हुए हमारी जो परंपरा है उसे बिल्कुल अनुसाधित तरीके से मनाते हुए अपने ओश तेजस्वी और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगामी रामनवमी को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। विगत दो वर्ष जो हमें कोरोना काल में हम नहीं मना पाए, हम पूरे दुगने उत्साह के साथ लेकिन बिल्कुल अनुशासित तरीके से अपनी शोभा यात्रा को निकालेंगे। साथ ही अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अस्त्र शस्त्र चालन में निपुण करेंगे, ये हमें हम सबकी जिम्मेवारी होगी। हम जितना सक्षम और सशक्त होंगे हमारा समाज उतना ही सक्षम और सशक्त होगा। इसी के साथ ही धन्यवाद सभी को, धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज बहुत सी शुभ घड़ी में हमारे अतिथिगण समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि महावीर मंडल का उद्घाटन आज से 10-12 साल पहले हम लोग जब रामनवमी को उद्घाटन करवाए थे तो माननीय नवीन जायसवाल जी आए थे।